जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं दीपिका, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। 15 महीने के बच्चे के लिए बाघ से भरी माँ घायल हालत में जबड़े से बेटे को खींच लाई। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के जंगल से लगे गांव मोहनिया ज्वालामुखी में 15 महीने के मासूम बच्चों को बाघ ने अपने चरणों में भर लिया, उसे ले जाने लगा, लेकिन उस बच्चे की मां बाघ के सामने आ गई और उसने बाघ को जबड़े से अपने मासूम बच्चों को बचा लिया। फिलहाल दोनों का इलाज चल रहा है, दोनों की स्थिति खतरे से बाहर है। बता दें कि इस घटना में मासूम बच्चे के साथ मां भी बुरी तरह से घायल हो गई है और मां बच्चों के उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मानपुर में दाखिल कराया गया है। इस घटना के बाद रोहनिया गांव में सनसनी फैल गई और लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। घटना के बारे में मिली जानकारी के मुताबिक उमरिया जिले में मानपुर थाना अंतर्गत बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बसे ग्राम रनिया में सुबह सुबह सब कुछ सही था, अपने काम में मशरूफ थे। इसी दौरान भोला प्रसाद के घर के पीछे झाड़ियों में छिपे बाघ ने अचानक हमला कर 15 महीने के राजवीर को अपने जबड़े में जकड़ कर ले जाने लगा। यह देखकर वहीं मौजूद बच्चे की माँ अर्चना अपनी जान की परवाह किए बिना बाघ से भिड़ गई। बच्चे को छोड़कर भागने पर अर्चना पर हमला कर दिया बच्चे को छोड़कर बाघ ने अर्चना पर हमला कर दिया। सोनू सूद ने दी गणपति पप्पा को विदाई, परिवार संग विधि विधान से किया विसर्जन। गणपति विसर्जन की धूम पूरे देश में देखने को मिल रही है। आजमन से लेकर स्लैबस ने भी गणेश चतुर्थी के दिन अपने घर गणपति बप्पा का स्वागत किया है। श्रद्धा अनुसार लोग 2 दिन, 3 या फिर 5 दिन की सेवा के बाद अगले बरस बप्पा की वापसी की कामना के साथ उन्हें विदाई दे रहे हैं। इसी क्रम में अभिनेता सोनू सूद ने भी परिवार संग विघ्नहर्ता का पूरा विधि विधान के साथ विसर्जन किया। सोनू सूद ने भी गणेश चतुर्थी के दिन अपने घर बप्पा की स्थापना की थी। अब 5 दिनों की सेवा के बाद उन्होंने पूरे विधि विधान से बप्पा को विदाई दी। अभिनेता ने पत्नी और बेटे के साथ पहले गणपति बप्पा की पूजा अर्चना की और इसके बाद उन्होंने बेटे के साथ गणपति जी का विसर्जन किया। कोरोना वायरस लॉकडाउन के बाद से ही सोनू सूद लोगों के बड़े मददगार के रूप में उभरे हैं। उन्होंने न केवल पर्दे पर बल्कि असल जिंदगी में भी खुद को हीरो साबित किया है। वह अब भी देश के अलग अलग राज्यों, शहरों और गांवों तक के लोगों की लगातार मदद कर रहे हैं। अभिनेता को देश भर में खूब प्यार दिया जाता है और विसर्जन के दौरान भी वहाँ भारी भीड़ जमा रही। बात करें बॉक्स की तो सोनू सूद कुछ समय पहले फिल्म पृथ्वीराज में नजर आए थे। या फिर भले ही बॉक्स ऑफिस पर कमाल ना दिखा पाई हो, लेकिन चिदंबराई के किरदार में सोनू सूद के अभिनय को काफ़ी सराहना मिली। रियल जिंदगी में तो लोग सोनू सूद के फैंस हैं, लेकिन पर्दे पर सकारात्मक से ज़्यादा नकारात्मक के किरदार में वो हिट हैं। नदी नालों का जलस्तर बढ़ा, बारिश ने फिर से 10 तक कुछ मार्ग रखे गए बंद। वर्धा जिले में मूसलाधार बारिश हुई जिससे नदी और नालों का जलस्तर बढ़ गया। प्रशासन ने स्थिति को ध्यान में रखकर के तटीय गांवों में अलर्ट जारी कर दिया है। दमदार बारिश के कारण कुछ मार्गों से यातायात बंद रखा गया था। जिले में अब तक 119.2% बारिश दर्ज की जा चुकी है, सभी जलाशय भर गए हैं। बता दें कि जुलाई में जिले में अतिवृष्टि हुई थी, इससे सर्वत्र हाहाकार मच गया था। सभी तहसीलों में लाखों हेक्टर में फसलें तबाह हो गई थी, मकानों का भी बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ, अनेक पशु आपदा की भेंट चढ़ गए। संपूर्ण नुकसान का सर्वेक्षण करके जिला प्रशासन ने वरिष्ठ स्तर पर इसकी रिपोर्ट पेश की है। बाढ़ का खतरा बढ़ने से प्रशासन ने किया अलर्ट। शुरुआती दिनों में भी दमदार बारिश हुई जिसमें भी काफ़ी नुकसान दर्ज किया गया। पिछले कुछ दिनों से बारिश ने राहत दी, किंतु अचानक मौसम में बदलाव के कारण फसल पर इसका असर देखने को मिला हुआ, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई थी। फसलों को संजीवनी देने की ज़रूरत थी। बारिश से फसलों को कुछ हद तक संजीवनी मिली है, किंतु बारिश के कारण फिर से जल से लबालब भरकर बहने जलाशय लबालब भरकर बहने लगे हैं। इससे नदी नालों का जलस्तर बढ़ने के कारण तटीय गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है, जहां प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। मूसलाधार बारिश के कारण अरबी तहसील में वर्धमनेर ई समीप के नाले में बाढ़ आ गई। नाले का पानी पुल से बहने लगा, परिणाम वर्ष काफ़ी समय तक आर्मी से वर्धन ने रीमा का आवागमन बंद रखा गया। ऐसे ही कुछ स्थिति जिले के अन्य तहसीलों में बनी थी।
नदी और नालों का पानी बहने के कारण कई मार्ग कुछ समय के लिए बंद रखे गए थे। जिले के सभी बड़े मध्यम व छोटे जलाशय ओवरफ्लो हुए हैं। जरा सा भी बारिश होने पर जलाशय और ओवरफ्लो होकर बहने लगते हैं। वर्तमान में 8 मध्य प्रकल्प 100% भर चुके हैं, जबकि छोटे प्रकल्प भी अमरावती ओवरफ्लो होकर बढ़ रहे हैं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइक, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार। MNS News।